हेलो गाइस, जलून माय चैनल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने कुछ टाइम पहले आइस क्यूब की वीडियो डाली थी तो मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट आए, मेल आए कि दी आप अपने फेस पे ऐसा क्या यूज़ करते हो जिससे आपका चेहरा इतना ग्लो कर रहा है, आपकी स्किन इतनी लाइट ब्राइट ग्लोइंग है। तो आज मैं आपके साथ अपनी ब्यूटी सीक्रेट का राज खोल रही हूँ कि मैं अपने फेस पे ऐसी क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ जिससे मेरा फेस दिन दिन ग्लो कर रहा है, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा यूथफुल यंग लाइट ब्राइट लग रही है। जब आप अपनी स्किन पे इसे लगाओगे ना तो आपकी स्किन आपकी उम्र से 5 से 10 साल छोटी नज़र आएगी। आपकी स्किन में काफ़ी अच्छा ये ग्लो लगेगा, आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत चमकदार बेदाग जवाब बनाएगा। ये ऑल स्किन टाइप्स वालों के लिए है। आपकी स्किन में एक्ने है, पिंपल्स है, डार्क स्पॉट है, रिंकल्स फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन लूज हो गई है, आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, तो आप ये वाला फेस पैक लगाओगे ना आपकी स्किन में आपको काफ़ी अच्छा फर्क नज़र आएगा। आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ये खूबसूरत जवाब बनाता है, काफ़ी अच्छा ग्लो लाता है, आपकी स्किन को ये हेल्दी बनाता है, एकदम सेलिब्रिटी वाला ये लुक देता है। आपकी स्किन दिन दिन काफ़ी ज़्यादा जवा होगी। यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की है सारी मैंने यहाँ पे घर की ही चीज़ें यूज़ की है, 100% नेचुरल है और 200% इफेक्टिव है। तो चलिए जानते हैं आपको ये फेस पैक किस तरह से बनाना है। आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लीन कंटेनर लिया है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 1 रुपये वाला कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कॉफ़ी है तो आप मिक्सी में ब्लेंड कर लो, उसका पाउडर फॉर्म तैयार कर लो। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच जितना कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। कॉफ़ी पाउडर हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए। उसके बाद फिर मैं आप पे कोकोआ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आपको ये इजीली मार्केट में मिल जाएगा किसी भी किराने की शॉप पे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जितना कोकोआ पाउडर यूज़ किया, ये भी हमारी स्किन में काफ़ी अच्छा मैजिकल सा वर्क करेगा। उसके बाद फिर जो स्किन के लिए हल्दी आती है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, अंबा हल्दी यूज़ कर रही हूँ। पिंपल्स है तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर लो। या फिर आपकी स्किन पे सूट होता है, आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल्स है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं यूज़ करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट को हमको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। ये सारे इंग्रेडिएंट मिलके हमारे स्किन में काफ़ी अच्छा मैजिक सा वर्क करता है। उसके बाद फिर जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है हनी। हनी हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है गाइस, हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जवाब बनाता है। तो यहाँ पे मैं 1 से 2 चम्मच जितना 3 चम्मच जितना हनी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं टोटल 3 से 4 चम्मच जितना हनी यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो वीडियो में। हनी में काफ़ी ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हमारी स्किन को ये हेल्दी बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, हमारी बढ़ती उम्र को ये रोकता है, हमारी स्किन में काफ़ी अच्छा ये चमक लाता है, हमारी स्किन में जो रिंकल फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, उसे धीरे धीरे फेड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें हनी ऐड कर लिया, मैं सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा लेमन इसेंशियल ऑयल है या फिर आप इसमें टी ट्री इसेंशियल ऑयल है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने यहाँ पे 1 पर्सन के लिए बनाया है, मैंने यहाँ पे 1 से 2 हफ्ते तक के लिए बनाया है। तो आप देख सकते हो ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब मैं अपने हाथ पर आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो आपका फेस जब भी आप यूज़ करो आपका फेस पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको डेमो के लिए हाथ पे दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने अपने हाथ पे अप्लाई कर लिया है। अब मैं हल्के हाथों से अपने हाथ पे 2 से 3 मिनट तक के लिए मसाज करूँगी। मसाज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपके फेस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इससे आपके चेहरे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चमक आती है, आपका चेहरा काफ़ी ज़्यादा गोरा बेदाग चमकदार बनेगा। तो यहाँ पे मैं हल्के हाथों से अपने हाथ पे मसाज कर रही हूँ। मैंने फास्ट मोड पे वीडियो डाली है तो आपको बहुत ही हल्के हाथों से अपने फेस पे मसाज करनी है 2 से 3 मिनट तक के लिए। आप ये फेस पैक रोज़ भी यूज़ करोगे ना तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये ऑल स्किन टाइप्स वालों के लिए। सेंसिटिव स्किन वाले एक बार यूज़ करने से पहले पेस्ट टेस्ट कर ले, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग अलग होती है, किसी पर सूट होता है किसी पर सूट नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस पर अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हो मैंने इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हल्के हाथों से बहुत ही अच्छे से मसाज कर लिए। मैंने अपने फेस के साथ साथ अपने नेक पोर्शन को भी कवर किया है, आप देख सकते हो। तो आपको बहुत ही अच्छे से मसाज करनी, मसाज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप देख सकते हो मैंने अपना हाथ वॉश कर लिया पूरी तरह से। मेरी स्किन मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लीन क्लियर लाइट ब्राइट फ्रेश लग रही है। आप जब इसे यूज़ करोगे ना आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा यूथफुल यंग लगेगी, आपकी स्किन में काफ़ी अच्छा ये चमक लाता है।
आपकी स्किन आपको काफी ज्यादा सॉफ्ट लगेगी, मॉइस्चराइज लगेगी। आप जब इसे दिन दिन यूज करोगे ना, आपकी स्किन में जो रिंकल्स फाइनेंस की प्रॉब्लम है, एक्नी पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे पूरी तरह से फेड करेगा। आपकी स्किन में काफी अच्छा ये चमक लाता है, आपकी स्किन को काफी अच्छा ये निखारता है, आपके रंग को ये निखारता है, आपके रंग को ये नेचुरल तरीके से गोरा करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। आपकी स्किन को एकदम दिन दिन ये जवाब बनाता है। इसमें मैंने कॉफ़ी यूज़ की जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। हमारी स्किन में कहीं पे भी सूजन है या जलन की प्रॉब्लम है उसे कम करता है, डेड स्किन सेल की लेयर को निकालता है। कॉफ़ी हमारी स्किन में बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएट का काम करता है, जो हमारी स्किन में जितनी भी डेड स्किन सेल की लेयर है उसे निकालता है, हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से डीपली क्लीन करता है। साथ ही साथ हमारे चेहरे में बहुत ही अच्छा ये निखार लाता है, हमारे चेहरे के रंगत को निखारता है, जिससे हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा यंग लगती है, हमारे चेहरे में काफ़ी अच्छा ग्लो नज़र आता है। तो आप ये सारी चीज़ें मिक्स करो अपने फेस पर लगा, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये फेस पैक हर कोई यूज़ कर सकते हैं, 15, 16, 17 साल के लड़के लड़कियां भी यूज़ कर सकती है, या फिर जिनकी एज 30-40 है वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप इसे यूज़ करो और इसका रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।